कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वदेश दर्शन स्कीम. पूछा कि स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर बताएं इनकरेक्ट क्या है. ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर पूछा कि गलत कौन सा है. इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर आती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, हो सकता है. इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स अक्रॉस द कंट्री. तो ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स के ऊपर काम करती है. 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है. यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर ने वर्चुअली एड्रेस किया भी एक कॉन्फ्रेंस को ऑन बुद्धिस्ट सर्किट्स एज पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम. स्वदेश दर्शन स्कीम में बुद्धिस्ट सर्किट को एज ए पार्ट बनाया गया, तो इसकी कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पर एड्रेस किया गया हमारे टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा. और वैसे भी जानते हैं अभी कोविड के बाद लॉकडाउन खत्म हो गए और कोविड के बाद इकॉनमी जो ओपन हो रही है, तो वहां पर टूरिज्म जो है उसके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है और टूरिज्म को ओपन करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट निकला है रिवेंज टूरिज्म. ठीक है, जो लोग अभी 2 साल से घर बैठे थे, जिन लोगों को अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का ज्यादा शौक था, तो उनके लिए जो टर्म है कि अब वो बेसिकली 2 साल से घर बैठे अब निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो टूरिज्म जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली जगहों को घूमने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जो प्रॉबेबली वो पिछले 2 सालों में उतना नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, वंस द रिस्ट्रिक्शंस आर गोन डेफिनेटली टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द ऑल द जो पैरामीटर्स रखे गए उसके बाद प्रॉबेबली टूरिज्म को यहाँ पर ऑफ करेंगे और बढ़ावा भी इसे मिलेगा. खैर, स्कीम जो है इट इज अ जॉइंट वेंचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. बाय लॉन्चिंग द स्कीम बोथ द मिनिस्ट्री विल बी एबल टू डेवलप द हेरिटेज साइट. तो ये जो स्कीम है बेसिकली इट इज अ जॉइंट वेंचर किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा. और यहाँ पर जो हेरिटेज सिटीज हैं उसको भी इसके दायरे के अंदर लाने की कोशिश करेगी. बेसिकली इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो पूरी फंडिंग जो होगी वो किसके द्वारा करी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. बट ना सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, इसे 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था 2015 में. स्कीम फोकस करती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट, जो कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन से सर्किट थे, बुद्धिस्ट सर्किट था इसमें, कोस्टल सर्किट थे, डेजर्ट सर्किट थे, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, तो ऐसे अलग अलग सर्किट इसमें बनाए गए. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना था. सो आंसर विल बी ए.